तो मैं हूँ तितली। कहानी सबको अच्छा लगता है, कहानी सुनने से थोड़ा माइंड फ्रेशस हो जाता है, कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ सच्चे मित्र, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सच्चे मित्र, यह बहुत समय पहले की बात है। एक सुदन से वन में चार मित्र रहते थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते, साथ ही खाते, सही घूमते, घूर मिलकर रहते, खूब बातें करते। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरन का घर था। दिन को कछुआ तट की रेत में खेलता, धूप सेंकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के वक्त लौट आते। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होते, साथ साथ खाते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। इसी तरह दिन मजे में बीत रहे थे कि एक शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरन नहीं लौटा तो वो सब उदास हो गए। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था, आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? मेरा तो घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है, वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है, अब हम क्या करें? कौवे ने कहा, मित्रों, वो जहाँ चरने प्राय जाता है मैं उधर उड़कर देखकर आता, लेकिन अंधेरा हो गया है इसलिए नीचे कुछ नजर नहीं आएगा, हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, सुबह होते ही मैं उसकी कुछ खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने कहा, रात भर नींद नहीं आएगी तो मैं उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा भी बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कछुए भाई के साथ चला जाता हूँ, कौवे भाई तुम सुबह होते ही आ जाना। यह कहकर कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे को भी नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वो उड़ चला। वो उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां-कां करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वो खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरण, तुम कहाँ हो, आवाज दो दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का लग रहा था। वो उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था, दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र तुम घबरा क्यों रहे हो, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे, वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई, सुनो मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता, वो अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ व चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों हमारा दोस्त हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है, जान की बाजी लगी है, अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा।
कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था, इसलिए वो बिना समय गंवाए बोल उठा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, दोस्त तुम भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से उछलने कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वो जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण दो कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आधमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा कि आखिर जाल में कौन सा जानवर फंसा था और यह जाल किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वह सोचने लगा कि वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चल पड़ा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा, लेकिन कैसे। इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया, दोस्तों हमें चाल चलनी होगी, मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा, मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। ये योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरण जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बांछें खिल उठी। वह थैला पटककर हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था और अपने दोस्त कछुए को झुड़ा लिया था। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरण हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। सीखा, सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।